बारूदी ब्लैक जैक का टारगेट ड्रैगन पर नकेल कसना। TU-160 की ताकत और इसकी बारूदी क्षमता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक बार इस बॉम्बर की ट्रेनिंग सोटी का हिस्सा। भारत के लिए अगर कोई देश इस वक्त खतरा बना हुआ है तो वो है एलए। अच्छा, गेम चेंजर। आपने भी देखा होगा WDMMA की रेटिंग आई, उन्होंने इंडियन एयरफोर्स को हायर रैंक किया देन चाइनीज एयरफोर्स। उसके बाद से बहुत हड़कंप मच गया चाइना में, भाई ये क्या हो गया, हमारे पास ज्यादा इंडियन एयरफोर्स की रेटिंग है। इतना मतलब $3 बिलियन के सर ड्रोन्स, 30 drones स्टेट ऑफ द आर्ट ड्रोन्स ले रहे हैं, एयरफील्ड दड़ादड़ आप लोगों ने वहां पे बना ली, राफेल जो आप लोगों ने मतलब काफी सारे जहाज आप लोगों ने फ्रांस से खरीद लिए, बाकी टेक्नोलॉजीज के ऊपर फिर इतने बिलियन ऑफ डॉलर सर किस लिए लगा रहे हैं? कि अगर आपको पता भी है कि चाइना आपके ऊपर कभी मतलब उनकी नहीं है, ठीक है गलवान में उन्होंने किया लेकिन वो एक अलग कहानी है। अगर चाइनीज कुछ कर रहे हैं तो हम भी उनको जवाब दे रहे हैं। देखिए उनके जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, जो उनके डिफेंस वॉचर्स है, उन्हें भी पता लग रहा है हम 100 किलोमीटर दूर है। अब चाइना की जो अभी इकोनॉमी है उसको देखते हो, उसको मद्देनजर देखते हो, लड़ तो सकते नहीं। अगर लड़ते तो वो जब उनकी मूछ मुंड गई थी ताइवान में वहीं लड़ लेते, वो लड़ नहीं सकते। चाइना ने पंगे पाल लिए फकर भाई, वो किस किस से लड़ेगा, कहां कहां तक लड़ेगा, कब कब तक लड़ेगा? सबको पता है कि जब से न्यूक्लियर वेपन्स दोनों साइड्स पे हैं तो वॉर इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। तो अब तो आप कोई और तरीका ढूंढे ना। और एक तरीका है कि हिंदुस्तान से जब तक आप नॉर्मल रिलेशंस नहीं करेंगे आपको आर्म्स रेस पे खर्चना ही पड़ेगा। तो द की टू दिस इज नॉर्मलाइज्ड रिलेशंस विद इंडिया। और महल इंडिया को भी सूट करता है कि वो अगर श्योर हो जाए कि इन केस ऑफ वॉर विद चाइना पाकिस्तान पंगा नहीं लेगा। पहले चीन के वायुसेना के विमान अक्सर भारत चीन सीमा पर LAC पर हमेशा दिखाई देते थे, लेकिन जब से भारत के वायुसेना ने उनका जवाब देना शुरू किया है और खासकर तब से जब भारत के बेड़े में राफेल शामिल हुआ है, अब चीनी वायुसेना के विमान इधर दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। और यह भारत के बढ़े हुए एयर पावर का कमाल है। और इसकी पुष्टि हाल में ही GAIP यानी ग्लोबल एयर पावर इंडेक्स द्वारा भी किया गया है। क्या है असल हकीकत सुनते हैं। अब जब S-400 हमारा डिप्लॉय जो हो रहा, 5 बैटरी हमने ऑर्डर की थी, एक तो पंजाब बॉर्डर में लगाई, दूसरी यहाँ लगा रहे, इसके होते ही यू हैव टू गो वेरी हाई अप इन द एस्केलेशन लैडर। जो स्टेप आपने काफी स्टेप्स ब्लॉक कर दिए S-400 के लगते ही। अच्छा, रशिया इज अ गेम चेंजर। आपने भी देखा होगा WDMMA की रेटिंग आई, उन्होंने इंडियन एयरफोर्स को हायर रैंक किया देन चाइनीज एयरफोर्स। उसके बाद से बहुत हड़कंप मच गया चाइना में, भाई ये क्या हो गया, हमारे पास ज्यादा इंडियन एयरफोर्स। और अभी आपने देखा होगा कि दो चीजें और आपको बोलूं फखर भाई, पीछे US नेवी का शिप डॉक होता है इंडिया में, चेन्नई में 70 साल में पहली बार। पीछे एक खबर बहुत दबाई गई, खबर ये दबाई गई 10-11 दिन पहले, इंडियन डिफेंस अटैचे को पेंटागन का डायरेक्ट एक्सेस मिलता है। इंडिया इज द ओनली कंट्री टू गेट डायरेक्ट एक्सेस टू पेंटागन। नाउ इंडियन गवर्नमेंट कैन डायरेक्टली टॉक टू पेंटागन बाईपासिंग द व्हाइट हाउस, व्हाइट हाउस से परमिशन लेने की जरूरत नहीं, इंडिया इज द ओनली कंट्री। तो जैसे ही देखिए, पीछे रशिया ने एक स्टेटमेंट दिया था कि भाई अब मैं अपने एलाइज को अपना थोड़ा हायर वेपन सिस्टम भेजूंगा, विद इन 48 आवर्स दो चीजें आई, एक तो ये शिप वाली बात हुई और अमेरिका का ये पेंटागन का डायरेक्ट एक्सेस हमारे डिफेंस अटैचे को। अब उनके साथ मिलकर हम डिफेंस सिस्टम बना सकते हैं, वो जैसे ब्रह्मोस रेशल्स के साथ है, वैसे ही अब हम अमेरिकन के साथ मिलकर डिफेंस सिस्टम बना सकते। अगर चाइनीज कुछ कर रहे हैं तो हम भी उनको जवाब दे रहे हैं। देखिए उनके जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, जो उनके डिफेंस वॉचर्स है, उन्हें भी पता लग रहा है हम 100 किलोमीटर दूर है। अब चाइना की जो अभी इकोनॉमी है उसको देखते हो, उसको मद्देनजर देखते हो, लड़ तो सकते नहीं। अगर लड़ते तो वो जब उनकी मूछ मुंड गई थी ताइवान में वहीं लड़ लेते, वो लड़ नहीं सकते। चाइना ने पंगे पाल लिए फकर भाई, वो किस किस से लड़ेगा, कहां कहां तक लड़ेगा, कब कब तक लड़ेगा? बारूदी ब्लैक जैक का टारगेट ड्रैगन पर नकेल कसना। TU-160 की ताकत और इसकी बारूदी क्षमता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक बार इस बॉम्बर की ट्रेनिंग सोटी का हिस्सा। TU-160 की रेंज ही इसे चीन के लिए सबसे बड़ा खतरा बना देती है। TU-160 बॉम्बर की रेंज 12,000 किलोमीटर है और इस लिहाज से ये 9,000 किलोमीटर दूर चीन की राजधानी बीजिंग, 8,700 किलोमीटर दूर चीन की आर्थिक राजधानी शंघाई,
और 10,000 किलोमीटर दूर शिनजियांग में चीन के न्यूक्लियर साइट्स तक को निशाना बना सकता है। ईरान इतना मतलब $3 बिलियन के सर ड्रोन्स 30 ड्रोन स्टेट ऑफ द आर्ट ड्रोन्स ले रहे हैं, एयरफील्ड दड़ादड़ आप लोगों ने वहां पे बना ली, राफेल जो आप लोगों ने मतलब काफी सारे जहाज आप लोगों ने फ्रांस से खरीद लिए, बाकी टेक्नोलॉजीज के ऊपर फिर इतने बिलियन ऑफ डॉलर सर किस लिए लगा रहे हैं? कि अगर आपको पता भी है कि चाइना आपके ऊपर कभी मतलब उनकी नहीं है, ठीक है गलवान में उन्होंने किया लेकिन वो एक अलग कहानी है, उस तरह की ओपन जंग तो थी नहीं कि बस ठीक है आत जो आपके ऊपर हमलावर हुआ और आत तपाई हुई या जो भी हुआ उसमें जो भी नुकसान हुआ चाइना का या हिंदुस्तान का, वो एक अलग थी, मैं उसको उस तरह का जंग नहीं कहूंगा, लेकिन शुरुआत वही से हो गई है। शुरुआत वही, जयशंकर साहब बार बार गालिबन जिक्र भी कर रहे हैं उस चीज का। देखिए देखिए फखर भाई क्या हुआ 1962 में भी आपने सामने से तो हमला किया नहीं, हिंदी चीनी भाई भाई पीछे छुरी घुसाई, गलवान में आपने बुलाया बात करने और पीछे आपने हमला कर दिया। हाँ बिल्कुल सही। आप देखिए या तो आप में हिम्मत हो आप वक्त रखते हो तो सामने से आओ ना लड़ने, कोई दिक्कत नहीं आपको लड़ने आना है। आप मौका ढूंढते हैं, आप वल्नरेबिलिटी ढूंढते हैं, आप धोखा देखने की कवायद ढूंढते हैं, यू आर लुकिंग फॉर दैट गैप। हम भी इधर पाकिस्तान में बैठ के उसी को फिर एक या फिर अगर सम टाइम जिस तरह न्यूयॉर्क टाइम्स या गार्डियन या कोई और उसके ऊपर स्टोरी कर ले तो वो फिर देखने को मिलती है, लेकिन ज्यादातर तो उनका जो अपना 2-3 मीडिया हाउसेज है जो उनको कहा जाता है तो वो सुना है कि वो उसके ऊपर काफी उनको रिजर्वेशन हैं और ये सारा कुछ है और थोड़ा से वो मतलब नजर आ रहे हैं कि तपे हुए हम कह दें या गुस्से में कह दें या व्हाटएवर आप उसका कर सकते हैं। तो क्या तरीका है कि हिंदुस्तान से जब तक आप नॉर्मल रिलेशंस नहीं करेंगे आपको आर्म्स रेस पे खर्चना ही पड़ेगा। तो द की टू दिस इज नॉर्मलाइज रिलेशंस विद इंडिया, और महल इंडिया को भी सूट करता है कि वो अगर श्योर हो जाए कि इन केस ऑफ वॉर विद चाइना पाकिस्तान पंगा नहीं लेगा तो वो बहुत खुशी से पाकिस्तान के साथ समझौता कर लेंगे, क्योंकि उनके डिफेंस एक्सपर्ट भी तो बताते हैं ना कि दो तरफ से अगर हमला हो तो बड़ा मुश्किल है। ये सारी चीजें हो सकती हैं, पाकिस्तान कायम भी रह सकता है, पाकिस्तान डेवलपमेंट की तरफ भी जा सकता है, लेकिन अकल कौन दिलाए इन्हें, अकल के अंधों को अकल कौन दिलाए? ये आर्म्स रेस में जो खर्चा हुआ है इंडिया का भी हुआ है, लेकिन इंडिया ने अपनी इकोनॉमी बढ़ाते गए हैं 91 के बाद, वो तो चाइना के बाद सबसे बड़े एशियन इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन बन गए थे। तो अभी मैं सुन रहा था कि दे आर 5th और 6th इन द वर्ल्ड और अगले 1-2 decades के बाद दे विल बी इकोनॉमी नंबर 3 इन द वर्ल्ड। हम तो किसी भी देश को सीमा पर अपने दुश्मन देश से 4 प्रकार के खतरों से सावधान रहना पड़ता है। पहला पैदल सेना यानी इन्फेंट्री, दुश्मन देश की सेना पैदल सेना आपके सीमा में प्रवेश कर जाएगी और फिर बड़े भूभाग पर कब्जा कर सकती है, किसी बड़े इंपॉर्टेंट जगह को कब्जा में ले सकती है और फिर वह आपके लिए उनको निकालना बड़े मुश्किल का सबब बन सकता है। लेकिन भारतीय सेना ने 2 साल पहले गलवान घाटी में चीनी सैनिकों को जो सबक सिखाया उसके बाद सपने में भी चीनी सेना यह हिमाकत नहीं करेगी कि भारतीय सीमा में प्रवेश करे, और यह हकीकत भी है कि उसके बाद से चीनी सैनिकों ने भारतीय सीमा पर हालांकि 3550 किलोमीटर की लगभग भारत और चीन की सीमा जिसे LAC कहा जाता है, लेकिन किसी भी जगह पर चीन ने भारत के सीमा पर अभी तक प्रवेश करने की हिमाकत नहीं किया है। दूसरा, चीनी बमबर्षक विमान भारतीय सीमा में प्रवेश कर बम गिराकर और वापस लौट सकते हैं, लेकिन भारत ने उसके जवाब के लिए जो ऐसा उन्नत किस्म का रडार विकसित किया है कि वह रडार दूर से ही उन विमानों को देख लेंगे और फिर भारतीय वायुसेना के बमबर्षक विमान उस विमान को जाकर हिट करके उन्हें उनके क्षेत्र में ही नष्ट कर सकते हैं। और इस बात की पुष्टि राफेल के आने के बाद जो ग्लोबल एयर पावर इंडेक्स द्वारा किया गया है कि भले ही चीन के बमबर्षक विमानों की संख्या भारत से ज़्यादा हो लेकिन भारत की जो क्षमता है वह चीन से ज़्यादा है, और इसीलिए वर्ल्ड पावर इंडेक्स जो एयर पावर के संबंध में है उसने बताया है कि आज विश्व में भारत को अमेरिका और रूस के बाद तीसरा एयर पावर का स्थान दिया गया है और चीन पिछड़ कर 4th स्थान पर चला गया है। तीसरी जो कार्रवाई दुश्मन देश कर सकता है कि वह
अपने यहाँ से मिसाइल यानी दूर से ही मिसाइल मार सकता है। भारत ने उसकी भी तैयारी कर ली है और रसिया द्वारा जो S-400 भारत ने लिया है वह उसी का जवाब है। S-400 मतलब कि यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम 400 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन की मिसाइल को देख सकता है और फिर जवाबी कार्रवाई करते हुए अपने अंदर का मिसाइल छोड़कर उसे दुश्मन के सीमा में ही नष्ट कर देगा। हालांकि पहले यह आशंका जताई जा रही थी कि रूस डबल गेम खेल रहा है, यानी उसने चीन को भी S-400 दे दिया और भारत को भी S-400 दे दिया, लेकिन बाद में यह आशंका निर्मूल साबित हुई और इसके पीछे कारण यह है कि भारत और रूस मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल तैयार कर रहे हैं और जिसकी मांग दिनों दिन दूसरे देशों में बढ़ रही है, दूसरे देश भारत से और ख़रीदना चाहते हैं। तो चूंकि भारत और रूस का यह संयुक्त मिसाइल है तो अगर इसका काट रूस दूसरे देश को बेच देगा तो फिर कोई ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा ही नहीं, तो यह तो रूस के लिए ही घाटे का सौदा है। इसलिए जो रूस ने चीन को मिसाइल डिफेंस सिस्टम दिया है वह S-300 है। और चौथी जो बात होती है वह ड्रोन द्वारा, जिसमें मिसाइल भी या पेलोड भी लादा जा सकता है, बारूद भी लादा जा सकता है और वह बिना किसी आदमी का होता है और यंत्र द्वारा संचालित होता है। तो ड्रोन द्वारा सर्वेक्षण करके और उस इलाके में जाकर कोई बमबारी किया जा सकता है। लेकिन भारत ने अभी अमेरिका के साथ और उसके पहले इजराइल से जो ड्रोन मंगाया है उससे भारत अब जवाबी कार्रवाई कर सकता है और भारत वही ड्रोन मंगा रहा है जो अभी अफगानिस्तान में अल जौहरी मारा गया, वही ड्रोन है कि बस वह निशाने पर ही हिट करता है। यही कारण है कि इन सारे तथ्यों को देखते हुए चीनी वायुसेना अब भारत की ओर देखने की हिमाकत या हिम्मत नहीं जुटा पा रही है और ग्लोबल जो एयर पावर इंडेक्स है इसी आधार पर भारत के वायुसेना को विश्व की तीसरी सर्वश्रेष्ठ सेना घोषित किया है। इस पर हमें गर्व है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।